So, as you might have already heard from your seniors, maybe that not a very difficult पेपर राइट टू स्टार्ट विथ, बट ऐसा कोई नहीं है जो उसको बिना पढ़े पास कर सकता है. ठीक है, पहले क्या होता था, पहले दिस वॉज CT7. सो CT7 में पीपल वर लाइक, अरे क्या है, जस्ट स्टडी फॉर 5-6 days, हो जाएगा. एंड देन जो भी 5-6 days पढ़ के जाते थे उनका क्लियर नहीं होता था, बिकॉज दिस इज एक्चुअली नॉट अ वेरी इजी पेपर. हम बोलते हैं इजी है, बट इजी है नहीं, इसमें एफर्ट जाता है. सो अगर मुझे स्टडी आवर्स, आप लोग पूछो कि हाउ मच स्टडी आवर्स इज रिक्वायर्ड इन दिस पेपर, यूजली आप देखोगे सब अलग अलग बोल रहे हैं, बट माई सजेशन यूजली अराउंड 150+ hours यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस पेपर. ठीक है, इफ यू आर टेकिंग क्लासेस देन क्लासेस आर इंक्लूडेड इन दिस 150+ hours. सो वी विल बी हैविंग अप्रोक्सीमेटली 75 to 90 hours ऑफ क्लास कॉन्टेंट, जहां पे वील बी डूइंग ऑल द जो भी बेसिक, जो भी सारा कॉन्सेप्ट है, सारा A to Z जितने कॉन्सेप्ट है, वील बी कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट. देन वील बी having sums classes. So basically sums classes में क्या structure होता है, I'll tell you. But mostly हम लोग MCQ solving, short answer solving and long answer solving. These three are the most important things that we focus upon. Now let's understand quickly what is the structure of CB2 paper. सो CB2 में यूजुअली आप लोग देखते हो कि सब लोग बोलते हैं देर इज फुल MCQ कमिंग इन, तो बहुत ही ईजी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. सो यूजुअली 26 MCQs आते हैं, 26 MCQs ईच ऑफ 1.5 marks, कितना हुआ, 39 marks हुआ. ठीक है, सो 39 marks इज वर्थ ऑफ MCQ.